सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर कवर पर लगी एक कलाकृति और उनकी मौत को लेकर विचित्र संयोग सामने आया है। सुशांत ने जिस पेंटिंग की तस्वीर को अपना ट्विटर कवर बनाया था, उसकी रचना करने वाले कलाकार ने इस कलाकृति को बनाने के एक साल बाद ही आत्महत्या कर ली थी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह कलाकार खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे थे और लंबे समय से अवसाद के शिकार थे। सुशांत सिंह राजपूत और इस कलाकार के बीच यह समानता वाकई हैरान कर देने वाली है। विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस कलाकृति का नाम द स्टारी नाइट है, जिसे नीदरलैंड्स के मशहूर कलाकार विंसेंट वैन ने जून 1889 में पेंट किया था। संयोग देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने भी जून महीने में ही जिंदगी की जंग हारी। यह कलाकृति फिलहाल न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है। विंसेंट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार विंसेंट डच पेंटर थे। पश्चिमी आर्ट में उनके काम को बेहद श्रेष्ठ माना जाता है और सम्मान हासिल है। महज 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2100 से अधिक कलाकृतियों की रचना की थी, जिनमें से 860 ऑयल पेंटिंग थी। बताते हैं कि विंसेंट ने अपने जीवन काल का सबसे अहम काम अंतिम 2 सालों में ही किया था। अफसोस की बात यह है कि इतने महान कलाकार होते हुए भी वो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थे, जिसके चलते 29 जुलाई 1890 को महज 37 साल की उम्र में उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले वो सालों अवसाद और गरीबी से जूझे थे। द स्टारी नाइट पेंटिंग की पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। मौत के बाद विंसेंट को जीनियस कहा गया। उनके काम का मॉडर्न आर्ट की आधारशिला रखने में अहम योगदान माना जाता है। एम्स्टर्डम में उनके नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें पेंटिंग और कलाकृतियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। कुछ वक्त पहले रणवीर सिंह ने विंसेंट के पोर्ट्रेट से प्रेरित होकर इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो लगाई थी, जिसके साथ लिखा था, जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यह मुश्किल होती जाती है, लेकिन इन मुश्किलों से लड़ते हुए दिल अंदर से मजबूत होता है। बता दें कि 2018 में हॉलीवुड में विंसेंट की बायोपिक एट एटर्निटीज गेट आई थी, जिसमें विंसेंट का किरदार वेटरन एक्टर विलियम डेफोई ने निभाया था।